उरी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले 19 जवानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पदक से नवाजा गया है। नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल सेना की विशेष इकाई 4 और 9 पैरा यूनिट के 19 सैनिकों को कीर्ति चक्र सहित वीरता पदकों से नवाजा गया है, जबकि उनके कमांडिंग अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। देश के जाबाज सैन्य अधिकारी और सैनिकों ने पड़ोसी मुल्क में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी कैंप ध्वस्त किए थे। नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर हमला करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल के दौरान दूसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। गोरखा राइफल्स के हवलदार प्रेम बहादुर रेशमी मागर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। वह मई 2016 में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। हंगपन की विधवा चेसन लोवांग ने राष्ट्रपति मुखर्जी से यह सम्मान प्राप्त किया। यह शांति काल का सर्वोच्च वीरता अवार्ड है। उन्हें यह सम्मान अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए दिया गया। तो देश के 68वें गणतंत्र दिवस पर यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पैरा कमांडोज को वीरता पुरस्कारों में जगह मिली हो। उनकी वीरता, साहस और शौर्य को सलाम करने के लिए उन्हें पदकों से नवाजा जाता है। देखते रहिए डीबी लाइव।